वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो BTS आर्मी। ओ माई गॉड, द गर्ल हु किस्ड जिन ऑन फेस्टा स्टेज हैज बीन फाइनली अरेस्टेड। कंप्लेन हैज बीन रजिस्टर्ड इन पुलिस स्टेशन अगेंस्ट दिस गर्ल, बट दिस कंप्लेन इज एक्चुअली रजिस्टर्ड बाई नन अदर देन BTS आर्मी, नॉट बाई जिन एंड हिज कंपनी। सो द गर्ल इज नॉट अरेस्टेड येट, पुलिस इज स्टिल वेटिंग फॉर फॉर्मल कंप्लेन। बाकी इंडियन BTS आर्मी, आप लोगों को हिंदी में बताऊं तो आपको पता ही होगा कि 13th ऑफ जून जब BTS का हाईली एंटिसिपेटेड फेस्टा कोरिया में सेलिब्रेट हो रहा था, जिन 1000 लकी BTS आर्मी को हक कर रहे थे, तब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिसने फैंडम को शॉक करके रख दिया, जब दो लड़कियों ने जिनको फोर्सफुली किस करने की स्टेज पर सबके सामने कोशिश की, स्पेशली एक लड़की ने जिनको काफी जोर से पकड़ लिया था और साफ साफ देख सकता है कि इंटेंशनली इसने जिनको किस की, जिसके बाद इस लड़की को बहुत ज्यादा हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और अब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस लड़की के खिलाफ फाइनली कोरियन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर हो चुकी है और ये लड़की अरेस्ट होकर जेल भी जा सकती है। इसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए गए हैं। हाँ, आर्मी पुलिस ने इस बात को कन्फर्म करते हुए स्टेटमेंट दिया है कि जिस लड़की ने जिनको फोर्सफुली फेस्टा में किस करने की कोशिश की उसके खिलाफ कंप्लेन आई है, और ये कंप्लेन जिन या फिर उनकी कंपनी बिगट ने नहीं बल्कि नेशनल पेटिशन सिस्टम द्वारा आई है। यानी कि बहुत सारे फैंस ने मिलकर नेशनल पेटिशन साइन की और इसके खिलाफ कंप्लेन की है। ऑब्वियसली जिन और उनकी कंपनी इस बात पर फैन को अरेस्ट तो नहीं कराएगी, तो जिनको और कंपनी को आप लोग हेट मत दो। और इसीलिए अभी तक पुलिस ने इस लड़की को अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस ने स्टेटमेंट में कहा है कि हम जब तक इसे अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक जिन या फिर उनकी कंपनी की तरफ से कोई फॉर्मल कंप्लेन ना मिले। आई नो इस लड़की को फेस्टा में ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसे जेल में डालना, अरेस्ट करना सही होगा या नहीं, अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।